बॉस जो चलाया है कम से कम आई थिंक एक्सप्रेस वे पे 120 के स्पीड के नीचे तो मैं नहीं रहूंगा, ऑलमोस्ट 120 पे ही था। ये आज का ब्रेकफास्ट है और आज का ब्रेकफास्ट बहुत ही सही ब्रेकफास्ट है। ये डोसा, बटेटा वड़ा, उपमा, डोसा का जो मसाला है, ये सांबार, चटनी, वाटरमेलन जूस और हमारा जो वेरी नेसेसरी थिंग आर एनर्जी ड्रिंक विच इज नोन एज कॉफी। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। बाय 11 वी हैव टू चेक आउट, मोस्ट प्रोबेबली 10:30 तक हम लोग चेकआउट करेंगे एंड देन वी विल बी बैक टू बॉम्बे। बहुत सही ब्रेकफास्ट है आज का। नाउ टाइम टू से गुड बाय टू दिस ब्यूटिफुल होटल एज वेल एज द ब्यूटिफुल प्लेस महाबलेश्वर। और ये हम अभी रेडी हो गए एंड नाउ वी आर लीविंग फॉर बॉम्बे। मॉम डैड दे हैव गॉन डाउन और मैं जरा वापस चेक कर लेता हूँ एक बार। ये ब्रेकफास्ट जो है यहाँ पे हम लोगों ने रख दिया है, एक बार चेक कर लेते हैं। चेक करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, अगर कुछ भूल गए तो वापस फिर बाद में यहाँ पे आना तो पॉसिबल नहीं रहेगा। सो वंस यू चेक इट एंड देन यू कैन प्रोसीड। आई डोंट थिंक सो आई हैव लेफ्ट एनीथिंग, सो ऑल गुड। जाने का रास्ता जो है यहाँ से लेफ्ट है, बट देन हम पहले राइट मारेंगे। तो बोले थे आप रहोगे नहीं, लेकिन आज आप थे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आते हैं नेक्स्ट टाइम कभी भी। एंड प्लीज देखना व्लॉग्स यूट्यूब पे और सब्सक्राइब भी करना, सब फैमिली फ्रेंड्स सबको बोलना, उनको भी दिखा देना मिस्टर सिंह को। थैंक यू, थैंक यू। महाबलेश्वर एग्जिट हो गए एंड नाउ वी आर ऑन द वे टू मुंबई। और यहाँ पे हम सारा रुके हैं फॉर एन हॉल्ट टू हैव शुगर केन जूस। सो यहाँ पे शुगर केन जूस भी बहुत फेमस मिलता है, वैसे बहुत फ्रेश है ये। कंपेरेटिवली जो मुंबई में मिलता है उससे तो बहुत ही फ्रेश है। और सामने आप देखोगे जरा तो वहाँ पे पूरा शुगर केन का फील्ड है, जहाँ से आई थिंक वहाँ से आता है शुगर केन, एंड आई कैन से वेरी फ्रेश। और ये जरा हमने लिया हल्दी घर के लिए, बिकॉज यहाँ की हल्दी बहुत ही ऑर्गेनिक रहती है एंड इट्स फ्रेश। सो मॉम को चाहिए था तो उन्होंने ले लिया। ये हम जरा पीछे रख दे इसको यहाँ पे आराम से। टाइम राइट नाउ इज 3:45 और हम लोग लोनावला एग्जिट कर दिए है एंड अभी यहाँ पे दास कैफे है वो पीछे साइड पे, एक्चुअली वहाँ पे आपको दिखेगा साइड से। सो वी हैव कम आउट हियर टू हैव स्नैक्स बिकॉज भूख ज्यादा, बहुत ज्यादा लगा है भूख। और बॉस जो चलाया है कम से कम आई थिंक एक्सप्रेस वे पे 120 के स्पीड के नीचे तो मैं नहीं रहूंगा, ऑलमोस्ट 120 पे ही था। बट यू कैन से इकोनॉमिकल स्पीड जो रहेगा एक्सप्रेस वे पे वो 100 है, इतनी ज्यादा लगी है कि मैंने मम्मी को बोला दो वड़ा पाव और एक चीज डोसा ऑर्डर करके रखे। यहाँ पे मम्मा है वड़ा पाव और ये है चीज डोसा, तो सारा ही भूख लगी है। अब तो मुंबई तक अभी मैं चलाने वाला हूँ। वी आर डन ईटिंग, सो व्हाट विल डू इज नाउ आई विल बी सिटिंग इन द कार। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ब्लॉग अभी के लिए रहने देता हूँ और मैं कंटिन्यू करता हूँ वंस आई रीच मुंबई। सो मिलते हैं मुंबई में डायरेक्टली अभी। एंड नाउ वी आर गोइंग टू मीट मिस्टर अमन आउट हियर एंड द बर्थडे बॉय राहुल। हैप्पी बर्थडे ब्रो, थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू। क्या बोलते हैं भाई, कैसा है, कैसा है, कैसा है ब्रो, मिस यू अ लॉट। हाउ वाज योर बर्थडे केक, हाउ वाज योर बर्थडे सेलिब्रेशन यस्टरडे नाइट ब्रो, इट वाज गुड। अच्छा था, किधर है हमारा वन सेट, सब आ रहे हैं अभी, अभी आ रहे हैं सब लोग। और ये आपका
स्ट्रॉबेरी क्रश जो आपने मंगाया था भाई. थैंक्स अ लॉट ब्रो. यस ब्रो वेलकम. वेयर इज वन शी इज कमिंग ऑन द वे. ही वेंट टू टेक सम. ओके आई हैव एक्चुअली गॉट वर्क सो यू ऑल कंटिन्यू फॉर द प्लान टुडे एंड आई एम टायर्ड आल्सो एज वेल एज. और यहाँ पे राहुल की गाड़ी अभी धुल रही है क्योंकि सर का बर्थडे है आज, तो उन्होंने उनका गाड़ी धुलवाने में किया है. बल्कि हमारा गाड़ी का कंप्रेसर जो एसी है चल रहा ही नहीं है. सो प्रोबेबली कल शायद मैं लेके जाऊंगा क्रेटा एंड आई विल फर्स्ट शो दैट व्हाट प्रॉब्लम इज देयर. तो क्या प्रॉब्लम का इशू जो है वो सॉल्व हो जाए तो बेटर रहेगा, बिकॉज मोस्ट प्रॉब्ली तो एसी एकदम खराब हो गया है गैस. और उसमें से जो है वो एसी के वेंटिलेटर में से जो है वो एकदम गर्म हवा फेंक रहा है, तो प्रॉब्लम मेरे को कल दिखाना ही पड़ेगा. तीन दिन कैसा था? अंधेरी रात थी सर. बाय द वे लोनावला के जो वैसे में आ रहा था ना, बहुत तेरे को मिस किया ब्रो. जो फूल प्लाजा पे हम लोग रुके उसके अंदर रिटर्न हम लोग वही रास्ते से आ रहे थे रात को, पता है तेरे बर्थडे के टाइम पे. वो बहुत मिस किया हम लोग, सब लोगों को बहुत मिस किया एक्चुअली. और एक प्लान वी नीड टू टुगेदर ब्रो डेफिनेटली. सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं. विद दैट सेड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मेरे को एक्चुअली अमन के यहाँ पे ही मेरा वीडियो एंड करने का था, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर अपने यहाँ पे एक्चुअली अपने यहाँ पे फील लाइक होम, ऑब्वियसली हम लोग का होम ही है. सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन डू सब्सक्राइब इट. विद दैट सेड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एज ऑलवेज आई विल बी बैक विद अ न्यू व्लॉग एंड अ नेक्स्ट व्लॉग. टिल देन बाय बाय टेक केयर शबा केयर. और यहाँ पे आशी भाई देख रहे हैं हमको हम कैसे व्लॉग कर रहे हैं. सो मिलते हैं अगले व्लॉग में. चलो बाय बाय टेक केयर शबा केयर. मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. चलो बाय.